सिर्फ जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स तो वो पहले बता बैकवर्ड देते। के और कई जगह ऑब्जेक्शनेबल थे एससी के और महिला के। महिला तो हमने क्लेरिफाई कर दिया था कि ऑड इवन तौर पे हम चलाने का आगे काम करेंगे, मगर जहाँ बैकवर्ड में और एससी में कोई ऑब्जेक्शंस आए हुए हैं उनको जैसे ही हम टेकअप तो कर हमने इनको लेते। पीसीज को कह रहे हैं कि 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी आदेश जारी हो चुके हैं कि कोर्ट के अनुसार जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे दे, जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट आएंगी, क्योंकि उनको हर रिपोर्ट की हेयरिंग करनी पड़ेगी। अब एग्जैक्ट नंबर कितने हेयरिंग में आए हैं मेरे पास इन हैंड तो नहीं है, मैं वो आपके साथ जरूर डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर कर सकता हूँ। तो हम जून में संभावित माने या जुलाई में संभावित माने? मैं तो ये मानता हूँ अगर 10 दिन में आ जाएगा तो फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन पे है कि वो पूरा प्रोसेस कितने दिन में टेक। स्टेट इलेक्शन 48 ऐसी काउंसिल और कमेटियां थी जिसका चुनाव प्रस्तावित था, जिसमें से 22 को पिछले दिनों विड्रॉ करने का निर्णय ले लिया गया। तो 47 काउंसिल्स और कमीशन है और उसके साथ 22 जिला परिषद, 140 ब्लॉक समितियां और 6,300 कुछ जो हमारी पंचायतें हैं उनके चुनाव डिवीजन। ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जैसे ही तैयारियां होगी, उनका प्रेरोगेटिव है, प्रदेश सरकार तैयार। कि जहाँ कमेटी और काउंसिल्स के चुनाव की बात है, ऑलरेडी स्टेट द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को आदेश दे दिए गए और वो अपना प्रोसेस को जब चाहे शुरू कर सकते हैं। वो एक मैं तो आज इस पे कैसे कहूँ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तो मैं हूँ नहीं। वो तो हमारी ओर से म्यूनसिपल काउंसिल्स और कमेटी के चुनाव की सहमति ऑलरेडी भेज दी गई और पंचायत चुनाव की एक सहमति हमने पहले भिजवाई थी जिस पे स्टे हो गया था, अब वो स्टे विकेट हो चुका है। जो रिवीजन होनी है वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने हमें भेजा था उस अनुसार जो भी कहीं भी विवाद थे उनको निपटा कर हम वापस भिजवाने